आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। इसलंग पूर्व मंत्री आजम के मीडिया प्रभारी और तत्कालीन डीसीडीएफ चेयरमैन सहित 150 सपा कार्यकर्ताओं पर चलेगा मुकदमा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान बेगम नूर बानो नावेद मियां की गाड़ी पर ठोटर मोहल्ले में आजम समर्थकों ने किया था जानलेवा हमला। तत्कालीन सीओ आली हसन के दबाव में पुलिस ने लगाई थी फाइनल रिपोर्ट। कोर्ट ने पुलिस को दिए दोबारा जांच करने के आदेश। रामपुर में आज कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला ने प्रेस में वार्ता कर मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोहल्ला ठोटर में आजम खां के मीडिया प्रभारी फजाहत अली शानू, तत्कालीन डीसीडीएफ चेयरमैन मास्टर जाफर इमरान, अजीज शाहवेज खां, फिरोज सहित 150 सपा समर्थकों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसका मुकदमा वीडियो के आधार पर थानागंज में दर्ज कराया गया था। लेकिन तत्कालीन पुलिस ने आजम के दबाव में हमारे केस को कमजोर करने के लिए उल्टा हमारे ही ऊपर एक झूठा क्रॉस केस करके फैसल लाला और लोक अदालत के प्राचीन सचिव आसिम खां को जेल में भेज दिया और हमारे दिए गए सबूतों को दरकिनार करके तत्कालीन सीओ आली हसन और उसके साथ साथ घाट करके आजम समर्थकों पे दर्ज असली मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस को बंद करा दिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट सहित राजभवन, राष्ट्रपति और डीजीपी तक पहुंचा था। परंतु उस वक्त पुलिस ने सत्ता के दबाव में एक पक्षीय फैसला, फर्जी कार्रवाई ना करके सिर्फ कानून की धज्जियाँ उड़ाई बल्कि तत्कालीन मंत्री आजम खां को भी खुश करने के लिए हमें हवालात में टॉर्चर करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था। फैसल लाला ने बताया कि पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर अपने अधिवक्ता जितेंद्र कुमार नंदा के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर की अदालत में प्रोस्टेट दाखिल किया था, जिस पर माननीय कोर्ट ने माना कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ मामला बनता है। इसलिए कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर मामले में पुनः विवेचना के आदेश पर पुलिस को दिए हैं। फैसल लाला ने कहा कि अब मैं मामले में पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध कराऊंगा। देखिए 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं और तत्कालीन डीसीडीएफ के चेयरमैन, इन सब लोगों ने साथ में करीब 150 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बेगम नूर बानो और नवेद मियां की गाड़ी पर हमला किया था। उस चुनाव के दौरान लाठी पत्थरों से गाड़ियों को तोड़ा था और यहाँ तक कि नवेद मियां के बेटे हमजा मियां के ऊपर फायर तक किया था। तो इस सब की एक वीडियो फुटेज उसी वक्त मैंने बनाई थी और उस वीडियो फुटेज के आधार पर थानागंज रामपुर में 2014 में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन चूंकि आजम खान की सरकार थी, पुलिस प्रशासन नतमस्तक था, इसलिए एक क्रॉस केस पुलिस ने 2 घंटे के बाद हमारे ऊपर कर दिया और ये कहा कि हमने उनके ऊपर हमला किया है। बिल्कुल पुलिस ने केस को उल्टा कर दिया और हमारे ऊपर जो केस दर्ज किया उसमें हमें जेल में डाल दिया और साथ में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश सचिव थे आसिम खान, उनको और मुझे जेल में डाला हम लोगों को। और जो हमारा असली केस था उसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा के केस को बंद कर दिया। तत्कालीन सीओ आले हसन खां की मिली भगत से वो केस बंद किया गया। उस मामले को लेकर मैं हाईकोर्ट गया, राजभवन गया, राष्ट्रपति तक मुद्दा पहुंचा और डीजीपी से मैं स्वयं 2 बार जाकर मिला, लेकिन वो केस पुलिस ने नहीं खोला। उसके बाद मैंने रामपुर सीजीएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की वाद दायर किया और मैंने उस केस को दोबारा खोलने के लिए अपील अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर की। कोर्ट ने माना है कि हमारे पास साक्ष्य पर्याप्त हैं और पत्रावली पे उपलब्ध हैं, उसके बावजूद पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से इस केस को बंद किया है, अंतिम रिपोर्ट लगाई है, पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को निरस्त किया है कोर्ट ने और केस को दोबारा चलाकर जांच करने के आदेश दिए हैं। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।